नमस्कार दोस्तों, तो इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। गणेश विसर्जन विवाद, जोन कमिश्नर चंद्राकर को पद से हटाया, जांच रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई। रायपुर, गणेश प्रतिमाओं को अपमानजनक तरीके से कुंड में विसर्जित करने पर रायपुर निगम ने जोन कमिश्नर को पद से हटा दिया है। मामले में पहले ही 3 निगम कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने मामले में पत्रकारों से चर्चा में घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि अपमान करने वालों के साथ जोन क्रमांक 1 के जोन कमिश्नर नेत्राम चंद्राकर के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। मामले की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कचरा गाड़ी के जरिए विसर्जन के लिए ले जाए जाने का खंडन करते हुए कहा कि अफवाह फैलाने पर FIR दर्ज कराया जाएगा। बता दें कि 3 दिन पहले सोशल मीडिया में गणपति प्रतिमाओं को अपमानजनक तरीके से विसर्जित किए जाने का तस्वीरें वायरल हुई थी। रायपुर के महादेव घाट की इन तस्वीरों में निगम कर्मचारी गणपति बप्पा के मूर्तियों को अपमानजनक तरीके से विसर्जन कुंड में फेंकते हुए नजर आए थे। मामले में सोशल मीडिया में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था, जिसके बाद रायपुर निगम ने जांच कमेटी गठित की थी, जिसके रिपोर्ट पर अब कार्रवाई की गई है।